करने के लिए नेशनल मीडिया यहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन इन गरीबों की आवाज के लिए नेशनल मीडिया आज कहाँ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्यों इन गरीबों की आवाज को दबाया जा रहा है? इसका मतलब कि नेशनल मीडिया बिका पेड़ है, हम लोग पोर्टल फ्री है सर, ये है इसलिए ये फर्क है, वो पेड़ है हम फ्री है। हाँ, उनको उनको क्या है, उनको वहाँ पे हम घर से भी आए तो गाड़ी लेकर तेल जेब से खर्चा करके आए, आप खर्चा करके आ रहे हो, गरीबों की आवाज पहुँचा रहे हो, हम आप लोगों को देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों का कहना चाहता हूँ जो करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट लेके गरीबों की आवाज को दबा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाज को जितना दबाओगे, हमारे जम्मू के जितने भी लोकल चैनल है इस आवाज को उठाएंगे, हमारी आवाज कभी नहीं दब सकती। हमारी राम राम, आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस। ये जो हमारी जो 5 मेंबर कमेटी है जम्मू कश्मीर की यूनाइटेड फ्रंट की, वो उनके मेंबर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और चलिए इनसे ही आपसे मुलाकात कराते हैं कि आज आखिर क्या नौबत आ गई, आज कितने 117 दिन हो गए हैं इनको प्रोटेस्ट करते हुए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हमारे रियासी में बड़े हाई लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन तभी भी सरकार की नींद खुली क्यों नहीं है, ये मुझे इनसे पता। सर आपका हार्दिक स्वागत। सर आप अपना नाम बताएं सर, और आप क्या हैं, क्या कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं सर? देखिए, मेरा नाम नवदीप सिंह, यूनाइटेड फ्रंट हमारा जो मेंबर बना हुआ है, ये हमारे जो हमारी जो कमेटी है इसमें हमारे 5 मेंबर हैं, इसमें हमने सभी को बराबर का ओहदा दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया बात। इसमें ना तो हमने किसी को प्रेसिडेंट रखा है, ना जनरल सेक्रेटरी रखा है, ना वाइस प्रेसिडेंट रखा है, और ना ही कोई कैशियर है, ना कुछ है। आपने देखा होगा कि हमारा आज 3 महीने से हमारा लंगर भी वहाँ पे लगातार निरंतर जारी है, लेकिन उसमें भी आज तक कभी किसी ने हमारे ऊपर ये उंगली नहीं उठाई कि वो जो कोई मेंबर जो है वो पैसे खा गया या कुछ कर गया। जो भी वहाँ पे आता है उस दान करने के लिए, जो लंगर कमेटी का जो एक मेंबर हमने बनाया हुआ है वो पूरा उसको मैनेज करता है, और हमें कमी किसी चीज़ की नहीं आई। और रही बात हमारा जो एजिटेशन है, आज 10,000 से ऊपर लोग हैं, आज कैसे मैनेजमेंट रहेगा आप लोगों का, और कब तक चलेगा ये? देखिए, ये हमारी मैनेजमेंट पहले भी हमने जो यहाँ पे 3.5 घंटे पुल बंद किया था, उससे पहले हमने अपना जो सेक्रेटरेट का घेराव किया था, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा आज तक, हम वहाँ पे पहुँचे। पुल जो बंद किया, आज तक कभी भी तभी का पुल बंद नहीं हुआ, 3.5 घंटे हमने पुल बंद किया। और हमारी एजिटेशन जो है, ये सरकार को पहले भी हमने चेताया था कि हमें लाइटली मत लो, ये लोग पता नहीं लाइटली ले रहे हैं, ये मजदूर लोग, अगर आप ये लोगों को पानी पिला सकते हैं, अगर ये लोगों को पानी पिलाना कोई जुर्म नहीं है, पानी पिलाना कहते हैं ये पुण्य का काम है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये जो सरकार है ये कौन सी नीति लेकर चल रही है। आज हमारे 25 MLA जो हमने 2014 में हमने सेंटर में सरकार बनाई, मैनिफेस्टो में इन्होंने रखा, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किन लोग। बीजेपी सर, बीजेपी बोलते हैं ये पाप है पुरानी पार्टियों का, ये क्या पाप है, ये कौन सी भाषा है? देखिए, पाप की घंटी ये बोलना, एक हमारे जो PMO हाउस में बैठे हुए, ये इनको शोभा नहीं देता है। पाप की घंटी क्यों, मुझे बात बताओ, जो आपका बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, वो पाप की घंटी कैसी होगी? पाप की घंटी वो लोग हैं जिन्होंने ये स्कीमें बनाई, स्कीमें बनाने के बाद डेली वेजरों को वहाँ पे सही तरीके से नहीं लगाया, ये वो है पाप की घंटी। उन अफसरों को पूछा जाए जिन्होंने करोड़ों को, अगर ये ट्यूब वेल यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ से जम्मू की सप्लाई जा रही है, मुझे बताइए, अगर यहाँ पे अरबों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपने मुलाजिम रखने हैं उसके लिए गवर्नमेंट को एक स्कीम तो बनानी पड़ती है ना, तो फिर ये पाप की घंटी कैसी होगी? हमारे जो 2014 में जो सख्त कमेटी बनी थी, वहाँ पे 5 चीफ इंजीनियरों ने लिख के दिया है, जब हमारी रेगुलेशन पॉलिसी कश्मीर में जो बाढ़ आ गई, तो उसकी वजह से हमारी रेगुलेशन पॉलिसी कमेटी को अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा सुझाव, जब कोई ऐसा आया अभी तक कोई? देखिए, हमने इनको बोला है हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात कीजिए, हम आपको बताएंगे। आप बैक डोर एंट्री कहते हो,
हमारे पास पूरे कागजात पड़े हुए हैं, हमारे जो पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी सर की प्रॉब्लम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, फंड की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप आपको क्या करना है? और गवर्नमेंट के साथ अभी तक इतना बड़े बड़े एजिटेशन आपने कर लिए हैं, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक सिंगल मैसेज नहीं आया? डीसी की तरफ से कोई, किसी डिप काम की तरफ से कोई आया सुझाव? देखिए, हमें इन्होंने जितनी बार हमारे साथ मीटिंग हुई है, इन्होंने बोला पहले आप एजिटेशन खत्म करो, फिर टेबल के आप हम आपसे बात करेंगे। हमने इनको बहुत बार मौके दिए, हमने बोला आप मुझे बताइए कि हमारी कौन सी नजायज डिमांड है। रेगुलेशन पॉलिसी 25 साल 30 साल, जो लोग नौकरी करके, जो बिना कुछ बेनिफिट लिए जो घर चले गए, और जिनके हमारे यहाँ पे कुछ बहने हैं, ये विडो, यहाँ पे विडो भी बैठी हुई है, विडो से बात। हाँ, तो वो बेचारे उनके घर वाले मर गए, क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि वन टाइम उनका पैसा देना? अगर आप अरबों रुपए यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगा रहे हो, तो जिस बंदे ने लोगों को पानी पिलाने के वक्त अपनी जान दे दी, क्या उसका गवर्नमेंट का ये फर्ज नहीं बनता कि उनको पैसा देना? मैं कहता हूँ बहुत नलायक गवर्नमेंट, हमने 2014 से पहले भी गवर्नमेंटें देखी, जब एजिटेशन होती थी वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अगर 100% नहीं तो 10% देती थी, लेकिन इन्होंने अपने आंखें बंद की हुई हैं, कान बंद किए हुए हैं, किसी की बात ही नहीं सुनते। एक सवाल रहेगा कि 70 महीने का सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे एक्शन रियासी से हमें बातचीत हुआ था, उन्होंने इससे सरे से खारिज कर दिया था के 70 महीने की नहीं है, 50, 55 और 30 और 40। एक्चुअली फैक्ट क्या है सर? आप कमेटी मेंबर होंगे, आपके पास क्या एग्जैक्ट फिगर क्या है? मेरी बात सुनिए, हमारे सब डिवीजन, जितने भी डिवीजन वाइज है ना, हमारे जितने 26 डिवीजन है पूरे जम्मू प्रोविंस में, उसमें क्या है कि कहीं पे अब जैसे यहाँ पे आपके वहाँ पे हमारे जो प्रधान धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं उनको शाबाश देता हूँ कि उन्होंने हमेशा डेली वेजरों का साथ दिया, और उन्होंने वहाँ पे अफसरों के साथ लड़ाई करके जैसे भी है उन्होंने उनकी तनख्वाह दिलवाई। हम यहाँ पे भी निरंतर हम अफसरों के साथ लड़ाई करते हैं कि अगर हम सेक्रेटरी से पैसा आ रहा है तो आप कौन होते हो रोकने वाले? सेक्रेटरी हमें वहाँ से बोले कि ये लोग हड़ताल पे हैं, इनका पैसा मत दो। मैंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, आप थोड़े साइड चले गए। मैंने बोला था कि ओवरहाल जम्मू डिवीजन के अंदर कितनी महीने की सैलरी अभी बकाया है? देखिए, कुछ डिवीजनों में 70 है, कुछ डिवीजनों में 65 है, कुछ डिवीजनों में 70 से 75 महीने, अब जो ये 3 महीने इन्होंने नहीं दी, 73 महीने हो गए। ये एग्जैक्ट फिगर है, ये फिगर आप चाहे डिपार्टमेंट से भी पता कर सकते हो, और इन्होंने लिख के भी दिया सेक्टर को 6,000 करोड़ रुपया इनको चाहिए इनका जो लाइबिलिटी खत्म करने के लिए, लेकिन ना तो वो लाइबिलिटी, वो सेक्टर वाले बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, ये किन्होंने, वो उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं, कभी कोई परफॉर्मा निकाल देते हैं, कभी कोई परफॉर्मा, ये किसने लगाए, कैसे लगे, वो यार आपने स्कीमें बनाई, नए नए ट्यूबवेल बना रहे हो, यहाँ पे नई नई सिटीज बन रही हैं, तो क्या ये आप इनको लगाओगे? नहीं, एक ट्यूबवेल बनाओगे उसमें 8 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो अगर आप ट्यूबवेल चलाना है तो मैन पावर भी तो चाहिए। बहुत सारे एरिया में जो वैकेंसी बहुत है, अभी भी बहुत वैकेंसी है, बाकी है। किसी किसी 7,000 स्कीमें चल रही है ना, तो 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो, 70,000 मुलाजिम चाहिए हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में, तो इस प्रॉपर के लिए। अभी ने तो हमारे जम्मू में जो प्रोविंस में 22,000 है और कश्मीर में 10,000 के करीब है, तो मुझे बताइए अभी भी आधे लोगों की जरूरत है, फिर ये कैसे बोलते हैं कि ये काम चलाओ, कैसे काम चलाएंगे मुझे बताओ? हमने इनको वन टाइम ये भी सोल्यूशन दी, आप हमारा बकाया दे दो और हमें टर्मिनेट कर दो, आप चला लो जैसे पानी चलाना है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते, ये बंधुआ मजदूरी कराना चाहते हैं, बंधुआ मजदूरी हमें मंजूर नहीं है, हमारी अब जो घर वापसी नहीं है, हमने पॉलिसी लेनी है, हम जो लड़ाई कर रहे हैं आज, अगर इतने लोग हैं, अगर यहाँ पे 10 लोग भी रह जाएंगे ना हमारी जो एजिटेशन चलाने वाले, हम तब भी लड़ेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है, हमने गवर्नमेंट को बता दिया, इन्होंने हमें लालच दिए, हम आपको 3 महीने की तनख्वाह देते हैं, आप एजिटेशन वापस ले लो, क्यों ले लें वापस? जो लोग कल रिटायर होने वाले महीने के बारे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है? 11 रुपए दे के आप लॉलीपॉप दे रहे हो इन लोगों को, 11 रुपए, वहाँ पे सिलेंडर की कीमत 1100 हो गई है और आप 11 रुपए बढ़ा रहे हो, लानत ऐसी सरकार के ऊपर। अगर देना है दिल्ली यूटी के तहत आप मिनिमम वेजेस एक्ट दीजिए ना, ये कौन सा मिनिमम वेजेस, 300 रुपए दिहाड़ी कौन सी है? आज महंगाई कहाँ पे जा रही है, घर घर में, मेरी एक बेटी है उसको पढ़ाने का 3,000-4,000 महीने का खर्चा है, अगर मैंने रसोई चलानी है तो मैं कैसे चलाऊंगा, मुझे बताओ। और ये जो बड़े बड़े MLA, इनके पास कार्ड हैं, इनके पास गाड़ियाँ हैं, टेलीफोन बिल इनको मिलते हैं, हर चीज इनके पास है, और ये इन लोगों को बनाया, हम लोगों ने बनाया ना, अगली बार खड़े हो जाओ, हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी ना, अगली बार बन के बताना है MLA, हम हमारी मर्जी है। हो सकता है सर गवर्नमेंट कर दे इलेक्शन से पहले? हाँ, अगर कर दे तो वेलकम करेंगे। फिर क्या करोगे आप?
नहीं फिर, फिर वोट किसको? हम गवर्नमेंट नहीं, वोट देना हमारा अपना अधिकार है। ये तो अधिकार का ये देखिए, ये हमारा बैलेट बैलेट पेपर जो होता है उसके आगे पीछे आपने देखा होगा कि उसमें ये हम किसी को नहीं, इवन कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बताता कि मैंने किसको वोट डाला। ये मेरा अपना अधिकार है, मेरा अपना राइट है, मैं जिसको मर्जी वोट डालूं। हाँ, अगर ये लोग हमारे साथ अगर कुछ अच्छा करेंगे तो शायद मेरा दिल पिघल जाए, मैं बोलूंगा मैं इन्हीं को वोट दूंगा। लेकिन जितनी देर ये पॉलिसी अगर लेट करते जा रहे हैं, इतना जहर हमारे लोगों में फैल रहा है, ये जो हमारे जो डेली वेजर हैं इनका जो जहर बढ़ता जा रहा है, और ये ना हो कि आने वाले टाइम में यहाँ से बीजेपी बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि ये जहर जैसे जैसे फैलेगा, और ये इलेक्शन, ये मेरे को तो इतना लगता है ये इलेक्शन कराएंगे नहीं, इनको जब पता चलेगा कि इलेक्शन होगा। सर मेरी बात सुनो, ये बीजेपी होती है, ये सेंटर में बैठे हैं ना जो, आप इनको जानते नहीं हो, इनके पास बड़े बड़े दाव पेश है, ये जो अगर इलेक्शन कराएंगे कराएंगे भी ना तो यहाँ पे पता नहीं कौन सी स्कीम। ठीक है, आप बीजेपी के लिए कह दिया, अगर बीजेपी नहीं आप चाहते तो आप किसको चाहते हो? नहीं, कौन है जो देश को बचाए? देश को बचाने वाले हमारे वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े। नरेंद्र मोदी को अगर वोट नहीं दोगे तो फिर कहाँ से? नरेंद्र मोदी जी तो सेंटर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो 25 जताते वो क्या कर रहे हैं? मैं तो उनको पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आप सड़कों पे उतरे? यहाँ के अगर यहाँ इनको आपने वोट नहीं दिया, आपने यहाँ वोट नहीं दिया तो वो 25 दूसरे वाले चले जाएंगे, वो तो 370 वापस ले आएंगे, फिर क्या होगा? सर 370 तो मेरी बात सुनो, वो जो 370 का जो मामला है ना, वो उसको पार्लियामेंट में कर सकते हैं, स्टेट में यहाँ पे नहीं हो सकता उसका कोई भी हल, वो पार्लियामेंट में उसका होगा, जब तक वहाँ पे फुल मेजोरिटी नहीं आएगी उसको ये नहीं तोड़ सकते हैं। अगर इन्होंने 370 हटाया है तो वो पार्लियामेंट में इनकी वहाँ पे मेजोरिटी थी तभी जाके हटा वो। तो रही दूसरी बात, ये स्टेट की ये इन्होंने यूटी बनाई है, मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी चीफ मिनिस्टर आ जाएगा ना, यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इनको पता है कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, अगर कश्मीर में भी कश्मीर के लोग क्या वो इनको वोट देंगे? वो नहीं देंगे उनको, जम्मू कश्मीर वोट नहीं दे सकता, नहीं देंगे उनको। और जो जम्मू के जो लोग हैं ना, अगर ये हाल रही जम्मू वाले भी नहीं देंगे, ये पता नहीं कौन सी सोच में बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे गवर्नर साहब बैठे रहेंगे वही यहाँ पे, और ब्यूरोक्रेट सरकारें चलाएंगे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टरों की भी कोई पावर नहीं होगी और ना ही इनका बनने वाला है। सर मैं लास्ट एक, मतलब जब से आपका प्रोटेस्ट चल रहा है तब से मैं, आप अपने डेली वेजर को क्या संदेश देंगे कि हमारे चैनल ने आपको लगे शाना बिशाना, हमें वार्निंग भी मिला, हमें सब कुछ मिला, हमें ब्लैक करने, आप हमारे चैनल के लिए अपने मुलाजिमों क्या कहेंगे? क्या इस यूट्यूब को सब्सक्राइब हो, क्या लाइक करेंगे, क्या आपको अच्छा क्या संदेश? रियासी पहाड़ी चैनल मैंने आपका हम पहले भी देखते रहते हैं आपके चैनल को, और हम लाइक भी करते हैं क्योंकि ज़्यादातर आप रियासी से लाइव करते हो। तो मैं जम्मू के लोगों को भी कहना चाहूँ, अपने जम्मू के लोग हमारे भाई और जितने भी भाई बंधु हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों की, हमारे पास पावर है तुम्हारा, आपका लाइक और सब्सक्राइब, वही पावर है हमारे पास, जैसे वोट की पावर उनके पास, हमारे पास भी यही पावर है। अगर हमारे पास भी यही पावर है कि हम लोगों के आगे निवेदन करते हैं कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना हो सके आपके माध्यम से हमारी आवाज जो है सरकार तक पहुंचे, क्योंकि अगर ये सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही है तो शायद आप लोगों की आवाज सुने। और मुझे ये भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर किसी फ्लाईओवर पे कोई छोटा मोटा कोई ऐसा कोई केस हो जाए, कोई गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाए, उसकी कवरिंग करने के लिए नेशनल मीडिया यहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन इन गरीबों की आवाज के लिए नेशनल मीडिया आज कहाँ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्यों इन गरीबों की आवाज को दबाया जा रहा है? इसका मतलब कि नेशनल मीडिया बिका पेड़ है, हम लोग पोर्टल फ्री है सर, ये है इसलिए ये फर्क है, वो पेड़ है हम फ्री है। हाँ, उनको उनको क्या है, उनको वहाँ पे हम घर से भी आए तो गाड़ी लेकर तेल जेब से खर्चा करके आए, आप खर्चा करके आ रहे हो, गरीबों की आवाज पहुँचा रहे हो, हम आप लोगों को देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों का कहना चाहता हूँ जो करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट लेके गरीबों की आवाज को दबा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाज को जितना दबाओगे, हमारे जम्मू के जितने भी लोकल चैनल है इस आवाज को उठाएंगे, हमारी आवाज कभी नहीं दब सकती, हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ये थे हमारे कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने बहुत अच्छे सवाल का जवाब दिया, और मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इससे ज्यादा और ना कहते हुए, बी एस और राजपूत को आप लोग सुन रहे हैं, किस तरह से एजिटेशन चल रहा है, किस तरह से नारे चल रहे हैं, ये आप लोगों ने सब आप साथ साथ सुन रहे हैं, साथ साथ सब को, इसलिए मैं और ज्यादा ना कहते हुए बी एस राजपूत को दे इजाजत, जय हिंद, नमस्कार।